पहली बार मुझे ऐसा लगा है कोई डिजर्विंग विनर बना है, तो ये तो है ही, एक का फैन दूसरे का एनिमी होता है। सोशल मीडिया है, वैसे भी सोशल मीडिया पे क्या ही सच्चाई है, 5 फिल्टर लगा के तो लोग फोटो डालते हैं। वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं जीत सकता भाई, वाइल्ड कार्ड को क्या मेहनत नहीं लगती शो में आने में? जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, होता क्या उससे, दुनिया के ब्रेकअप होते हैं, हमारा होता है तो अखबार में छप जाता है। एक कॉर्डियल एक हेल्दी बॉन्ड शेयर करते हैं, तो अभी कैसा है आपका बंदगी के साथ एक बॉन्ड? बॉन्ड तो ठीक ठाक ही है, पर कोई ऐसी खास बातचीत ज्यादा नहीं होती। देखो, वो तो बहुत किया था, फेक लव स्टोरी हाईलाइट किस बात की, वो तो हमें झेलना पड़ा था ना, फेक लव, नकली प्यार जो 5 साल चल गया है। जैसे ही कुछ खराब हो जाता है तो सब आ जाते हैं, ब्रेकअप हो गया तो पूरी दुनिया को पता चल गया। इस सीजन से निकलने के बाद आप अभी तक किसके बहुत अच्छे दोस्त हैं? किसी का नहीं मैडम, किसी के नहीं, मेरा कोई अपने सीजन में से एक भी दोस्त नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फिल्मी बीट और आज हमारे साथ फिल्मी बीट पर बातचीत करने के लिए मौजूद है पुनीत शर्मा, जो अपने नए गाने के साथ ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद कम बैक कर रहे हैं। हाउ आर यू पुनीत? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइन, थैंक यू, गॉड इज काइंड। एंड पुनीत 2.0 इज हियर, कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप माई फैंस विल लाइक इट। एंड सीरियसली वेट कर रहा हूँ मैं इनके रिस्पॉन्स का। गाने का पोस्टर हमने देखा, वो तो लॉन्च हो चुका है गाना, मतलब ऑब्वियसली लग रहा है आपको देख के कि काफी सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि फैंस तो बहुत एक्साइटेड थे आपकी कमबैक के लिए। पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे आप। अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ था, वो सिचुएशंस थोड़ी ऐसे थी, पोस्ट कोविड यू नो इंडस्ट्री इतना नहीं सपोर्ट कर रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि खुद को ही सपोर्ट किया जाए और नए गाने के साथ आ रहा हूँ। अच्छा, ये आपकी खुद की प्रोडक्शन हाउस का ही गाना है, तो ऑब्वियसली हम मुझे जानना है कि इस गाने में आपके साथ कोई फीमेल लीड एक्ट्रेस कौन दिखाई? इस गाने में मेरे साथ प्रीतिका चौहान है। अच्छा। एंड प्रीतिका नोन एक्टर है और बहुत सारे सीरियल्स कर चुकी है, और मेरे साथ भी एक सीरियल में थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी, शी इज अ प्रीटी गर्ल। पुनीश, मतलब आप बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, बिग बॉस 11 में आपकी काफी बातचीत रही है, रिसेंटली बिग बॉस अभी खत्म हुआ है, आपने फॉलो किया उसके बारे में कुछ अपडेट्स, क्योंकि इस टाइम तो हर जगह वही थे? देखिए, बिग बॉस तो मेरा फेवरेट शो है, मैं सीजन 1 से लेके आज तक हर एपिसोड उसका देखता हूँ, और अब तो खत्म हो गया, अब क्या फॉलो करना, पर हाँ डेफिनेटली बिग बॉस तो मैं देखता ही। अभी रिसेंटली जो विनर बने, आर यू हैप्पी विद हिज विन? ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, और डिजर्विंग विनर है, ऐसी बात नहीं है, अर्विश यादव वेरी डिजर्विंग, वेरी डिजर्व। पहली बार मुझे ऐसा लगा है कोई डिजर्विंग विनर बना है। ओके, लेकिन सोशल मीडिया तो बट चुका है कि वाइल्ड कार्ड को बना दिया विनर और हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जो अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन फिर भी सम पीपल वर हूटिंग फॉर अभिषेक मल्हान। देखिए, ये तो है ही, एक का फैन दूसरे का एनिमी होता है, ये तो पक्का है, तो ये ठीक है, चलता है, सोशल मीडिया है, वैसे भी सोशल मीडिया पे क्या ही सच्चाई है, 5 फिल्टर लगा के तो लोग फोटो डालते हैं। तो असली में क्या होंगे वो लोग, तो इट डजंट मैटर सोशल मीडिया पे क्या चलता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अर्विश यादव डिजर्विंग विनर। वाइल्ड कार्ड क्यों नहीं जीत सकता भाई, वाइल्ड कार्ड को क्या मेहनत नहीं लगती शो में आने में, सब लोग ऑलरेडी एडजस्ट करके बैठे होते हैं, वाइल्ड कार्ड आता है सबके साथ एडजस्ट करता है, शो को एक नया यू नो एक पंप देता है, क्यों नहीं जीत सकता वाइल्ड कार्ड, बिल्कुल जीत सकता है, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, होता क्या उससे। एक लाइन बोली थी सलमान ने कि मुझे लगता है वाइल्ड कार्ड के लिए जर्नी ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बने बनाए गेम में एंट्री मारता है। एग्जैक्टली ऐसा सच है। हाँ, क्योंकि फैंस भी इस बात को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, करना चाहिए भी, वाइल्ड कार्ड की जर्नी बहुत टफ होती है। रिसेंटली मतलब पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ? या बट अप टू अ लेवल, उसका एक मार्क है जो मैं क्रॉस नहीं करता। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना बिजी थे उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ भी थोड़ी सी इस टाइम डिस्टर्ब रही, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? नथिंग, ये होता रहता है, ये तो फेमस होने के यू नो डैमेजेस हैं, दुनिया के ब्रेकअप होते हैं, हमारा होता है तो अखबार में छप जाता है। तो हमने खुद ही चूज किया है, किसी ने बोला तो नहीं था आप ऐसे बन जाओ, हमने खुद ही यू नो इस चीज को चूज किया है, तो फेस तो करना पड़ेगा, तो ठीक है, होता रहता है।
मेरा कहना था कि अब जैसे ब्रेकअप्स के बाद यूजुअली होता है कि एक्टर्स जो है एक कॉर्डियल एक हेल्थी बॉन्ड शेयर करते हैं, तो अभी कैसा है आपका बंदगी के साथ एक बॉन्ड? बॉन्ड तो ठीक ठाक ही है, पर कोई ऐसी खास बातचीत ज्यादा नहीं होती, पर हाँ डेफिनेटली हम एक दूसरे के लिए खड़े ही हैं। कभी भी कोई जरूरत होगी मुझे तो आई नो शी विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड हेल्प मी, सो विल आई, मैं भी ऐसा ही करूंगा, पर जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मेरी, वो बहुत स्ट्रांग लड़की है और बहुत यू नो शी इज वेरी कैपेबल एंड सेल्फ मेड, उनको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर अगर पड़ी तो डेफिनेटली मैं खड़ा हूं। फैंस को मतलब काफी झटका लगा था आपके ब्रेकअप का सुन के, क्योंकि बिग बॉस 11 की काफी प्यारी जोड़ी रही थी आपकी। मैम जोड़ियां तो सारी ही प्यारी होती हैं, थोड़ी कौन सी खराब होती है। उस सीजन की काफी एक हाईलाइट थे आप दोनों। मैंने हिना खान हाईलाइट क्यों थे मैडम? ट्रोल तो बहुत किया था लोगों ने, ट्रोल तो बहुत किया था, फेक लव स्टोरी हाईलाइट किस बात की, वो तो हमें झेलना पड़ा था ना, फेक लव नकली प्यार जो 5 साल चल गया है, कैसा नकली अच्छा। प्यार बाय गॉड जो 5 साल चल जाए वो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा नकली प्यार सबको हो जाना चाहिए, तो ये इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग आज आपको अप्रिशिएट करते हैं कल गाली देते हैं, ये वही सेम लोग हैं, तो ये मुझे चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं वही कह रही थी कि मतलब सोशल मीडिया पे या फिर इस ग्लैमरस एंटरटेनमेंट की दुनिया में मुझे लगता है तारीफ के साथ साथ अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो क्रिटिसिज्म साथ में आता है। बिल्कुल आता है मैम, फ्री में आता है और इनटू टू आता है, अच्छी चीजें जब मैं करता हूँ, जो मैं कोई भी अच्छी चीज करता हूँ तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता, जैसे ही कुछ खराब हो जाता है तो सब आ जाते हैं, ब्रेकअप हो गया तो पूरी दुनिया को पता चल गया, अच्छी चीज करता हूँ तो बताना पड़ता है आकर खुद, अरे मैंने करा है, ब्रेकअप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है, ये तो डैमेजेस ऑफ बीइंग फेमस, चलेगा कोई बात, उसके बारे में बात करना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। चलो गाने पर बात करते हैं अब जी, गाने को लेकर आपकी क्या मतलब कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, आपने 2 साल के बाद जिस तरह कमबैक कर रहे हो, बट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट पुनीश 2.0? मैम पुनीश 2.0 बहुत ही बड़ा रॉकस्टार है और पुनीश 2.0 सच में 2.0 है, नया लुक है, नया गाना है, नई फील है, और ये सबको बताना चाहता हूँ मैं अभी हारा नहीं हूँ, मेरे गाने का टाइटल भी यही है हारा नहीं, हारा नहीं जी। और किसी को हारना भी नहीं चाहिए लाइफ में, जब ऐसा लगे कि हारने लगे हो तो वापस एक कमबैक मारना चाहिए जैसे मैं मार रहा हूँ, तो प्लीज यही कहना चाहता हूँ कि सब मेरा गाना देखिए, उसे पसंद कीजिए, एंड आगे भी मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में और भी काम करता रहूंगा, शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, शॉर्ट एंटरटेनमेंट क्लिप्स बनाऊंगा और गाने बनाऊंगा और आप सबको एंटरटेन करता रहूंगा। पुनीश अपने शो से निकलने के बाद, अपने सीजन से निकलने के बाद आप अभी तक किसके बहुत अच्छे दोस्त हैं? किसी का नहीं मैडम, किसी के नहीं, मेरा कोई अपने सीजन में से एक भी दोस्त नहीं, हिना या प्रिया, कोई नहीं मैडम, कोई नहीं, कोई मुझसे बात नहीं करता और मैं भी किसी से बात नहीं करता। ओके, तो और उसके अलावा बाद में आपने जैसे सीजन फॉलो किए, अब आप जैसे एल्विश यादव इस वक्त काफी ज्यादा लाइट में होंगे, है इस वक्त, तो आप उनके साथ कोई गाना बनाएंगे इन फ्यूचर? जरूरत नहीं है मैम उसको मेरी, वो वैसे ही बड़ा फेमस है और खुद ही अपने लिए कर सकता है, वो बड़ा कैपेबल लड़का है, तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत उन लोगों को है जिनको यू नो चांस नहीं मिलता है, और मैं उन लोगों के साथ काम करूंगा जो इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा और यू नो बड़े प्रोड्यूसर्स को अप्रोच नहीं कर पाते, तो मैं उतना बड़ा हूँ नहीं, तो मैं इन लोगों को चांस दूंगा और ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा जिन्हें खुद मौका मिल जाता है, उनकी जरूरत नहीं है मैम, ना उनको मेरी ना मुझे उनकी। वेरी वेल सर, गाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आई होप आपका ये गाना काफी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, लोगों को पुनीत 2.0 काफी पसंद आए, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ही ऑर्गेनिक आदमी हूँ, मैं अपने गाने पे कोई लाइक्स कोई व्यूज कुछ नहीं डालूंगा, जो ऑर्गेनिकली आप लोग देख लोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो 2-4 बातें सुना देना, पर मैं काम हमेशा करता रहूंगा और ऑर्गेनिक काम करूंगा, नकली चीजें मुझसे होती नहीं है, मैं नकली आदमी नहीं हूँ, तो मर्जी है आपकी और कितना आप मुझे सपोर्ट करते हैं, हमेशा किया है, आगे भी मुझे उम्मीद है करेंगे, पर मैं वो ऑर्गेनिक बंदा ही रहूंगा, मैं कोई ये बॉट्स लेके और अपने गाने को 100 मिलियन 50 मिलियन ये सब नहीं करूंगा, जो ऑर्गेनिकली हो जाएगा वही ठीक रहेगा, तो प्लीज गाने को पसंद कीजिए, देखिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू।